नमस्कार दोस्तों, पवन ओझा टेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने सिंपल से दिखने वाले एंड्रॉयड को आपके जो भी एंड्रॉयड वर्जन हो उस एंड्रॉयड वर्जन को एंड्रॉयड वर्जन 7.0.1 में बदल सकते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको अपने एंड्रॉयड वर्जन के बारे में बता देता हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद मुझे जाना होगा अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आप यहाँ पे डिवाइस इन्फॉर्मेशन पे जाके देख सकते हैं कि मेरा जो एंड्रॉयड वर्ज़न है वो 5.0.2 है। तो ये है मेरा लॉलीपॉप वर्ज़न। तो अब मैं आप लोगों को लॉलीपॉप वर्जन इसलिए दिखाया हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं नौगट पे ही रहकर आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये नौगट वर्जन है। तो ये था मेरा लॉलीपॉप वर्जन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से नौगट वर्जन को अपने फ़ोन पर पा सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नौगट सर्च करना होगा। नौगट लॉन्चर सर्च करेंगे। नौगट लॉन्चर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे नौगट लॉन्चर्स या नौगट से रिलेटेड एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। उनको छोड़ के पहला नंबर को छोड़ के आपको दूसरे नंबर पे सेलेक्ट करना है जिसके डेवलपर हैं इस्माइली अकुलाक। तो इसके डेवलपर जो हैं वो इस्माइली अकुलाक हैं। आप देख सकते हैं कि इसके 1 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। रिव्यू की बात करें तो 4.1 रिव्यूज़ इसको मिले हैं और यहाँ पे भी बहुत से रिव्यूज़ में जैसे आप देख सकते हैं बेस्ट लॉन्चर ऐप यूज़फुल। तो ये लॉन्चर एक हिसाब से नौगट के लिए बहुत बेस्ट है। आप इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे। टू लॉन्च नौगट लॉन्चर स्मूथली You can choose Nougat launcher as default launcher from next screen. तो आप अगर चाहते हैं तो set as default launcher कर सकते हैं, otherwise no need to select this option. मैं यहाँ पे ignore कर देता हूँ। Ignore करने के बाद यहाँ पे कुछ समय लेगा। आप देख सकते हैं कि मेरा जो है कुछ यहाँ पे options आपको दिखा रहा है कि आप चाहें तो इस वाले options को select कर सकते हैं या इस वाले को। तो मुझे ये वाला option अच्छा लग रहा है। ओके, तो वेलकम वॉलपेपर स्पीड सेटिंग गॉट। तो ये थे मेरे नौगट वर्जन। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से वॉलपेपर भी जो है सेट कर सकता हूँ। तो एक हिसाब से ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है। आपको प्ले स्टोर पर इसके प्राइम वर्जन भी मिल जाएंगे। तो प्राइम वर्जन के लिए लगभग आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। और 500 रुपये आप नहीं देना चाहते तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। नौगट लॉन्चर रिसेंटली जो है एंड्रॉयड का बहुत ही पॉपुलर लॉन्चर है, या बोल सकते हैं एंड्रॉयड ओएस है। तो इस ओएस को आप भी अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पर पा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से जो है यहाँ पे कुछ स्क्रीन्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आप चाहें तो इनके एक विंडो से दूसरे विंडो भी ले जा कर रख सकते हैं। आप यहां से कुछ एप्लीकेशंस को अपने फ्रंट स्क्रीन पर भी डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है आप इसे चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि आप इसके इंटरफेस को भी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इंटरफेस चेंज करने के लिए आपको जाना होगा नौगट लॉन्चर पे। नौगट लॉन्चर के ऐप पर जाने के बाद अच्छा तो ये रहा नौगट लॉन्चर, ये रहा नौगट लॉन्चर सेटिंग। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जनरल सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अलाउ रोटेशन कर देंगे। अगर रोटेशन अलाउ करते हैं तो आपके फ़ोन्स जो हैं वो रोटेशन अलाउ मोड पर आ जाएंगे। स्मॉल आइकन्स कर देंगे तो जो है आपके अब जितने भी आइकन्स जो बड़े हैं वो छोटे हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ड्रॉवर करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं हॉरिजॉन्टल पेजिंग जो है वो कर सकते हैं किटकैट लॉलीपॉप स्टाइल के हिसाब से। फिर हाइड ऐप्स कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने किसी भी ऐप्स को जो है वो हाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर्स जो है इसमें दिया गया है। ट्रांजिशन इफेक्ट भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आप चाहे तो ट्रांजिशन इफेक्ट भी यहाँ पे कुछ
नौ ट्रांजेक्शन इफेक्ट जो है वो दिए गए हैं, तो आप ये भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड स्टॉक मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आप फोल्डर की बात करूँ तो फोल्डर भी जो है यहाँ पे आप नौगट स्टाइल से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लाइनर स्टाइक भी दिख रहा है और क्रॉस स्टाइक भी दिख रहा है, तो आप जो चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ क्रॉस स्टैक, तो किटकैट स्टाइल है कॉट स्टैक, तो बहुत से ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब आपको कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा पवन ओझा टैक, और पवन ओझा टैक करते ही आपको सबसे पहला जो दिखेगा ये है मेरा यूट्यूब चैनल। तो इस यूट्यूब चैनल के बाद आपको यहाँ पे एक रेड बटन जो है वो देखने को मिलेगा सेटिंग के ऑप्शन में। सेटिंग के बगल में आपको रेड चैनल जो है देखने को मिलेगा, तो उसे आपको क्लिक कर देना। उसके बाजू में आपको एक घंटी सा आइकन दिखेगा, उसे भी आपको क्लिक कर देना, ताकि जब जब मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा मेरे वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी के वीडियोज़ और ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आऊँगा। तब तक लिए जय हिंद, वंदे।